हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे प्रिंस पाइप के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है कि प्रिंस पाइप को बहुत हाई लेवल पर खरीद लिए हैं। ऐसे में हम डिस्कस करेंगे अभी उनको करना क्या चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि इसमें तेजी कब आएगी, मैं फंस गया, पैसा लग गया हमारा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जो है जिस हिसाब से इनके रिजल्ट्स और कंसिस्टेंसी इनके मैटर कर रहे हैं ना, उस हिसाब से अभी इसमें तेजी नहीं आई हुई, इसलिए हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी क्या करना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे, और जो लोग फंसे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर। चलिए दोस्तों, हम आगे कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो है कि वीडियो को लंबा नहीं करें, थोड़ा फास्ट वे में जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जो है कि मिस मत करना। देखिए दोस्तों, 7,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि 650 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। 800-900 की लेवल पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि यहाँ पर बाइंग कर लिए। 595 रुपये इनका लो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, पी इनका जो है 28 का है, बुक वैल्यू जो है 140 के आसपास है, 14 के आसपास है। उसके बाद देखिए, डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी जो है 20 के ऊपर है, 27। आरओई जो है इनका 21 का है, 10 का फेस वैल्यू। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें, देखिए फेस वैल्यू आरओसी आरओई जो है कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैटर हम आपको बता दें, देखिए कंपनी में कोई भी न्यूज़ भी आए तो हम उसको भी नहीं मानते, क्योंकि न्यूज़ क्या है कि किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टाइम के लिए इंपैक्ट करता है, लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टॉक को इंपैक्ट नहीं करता है। हाल ही में दोस्तों कंपनी के नंबर देखने को मिले, नंबर आपसे बताना चाहते हैं कि एकदम अच्छा गुड है। देखिए इनके सेल्स में जब बढ़ोतरी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको पता ही है कि देखिए मार्जिन इस समय मेंटेन, इन्फ्लेशन को लेकर के मार्जिन मेंटेन करना सारी कंपनियों के लिए जो है कि एक मुश्किल घड़ी साबित हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, इनका जो है कि 141 रुपये ऑपरेटिंग, माफ़ करना, 141 करोड़ रुपया जो है कि इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। चलिए नेट प्रॉफिट देखेंगे, सीधा पीएनएल को देखते हैं क्या है कि देखिए 3 महीने में जो है कि हर कंपनी को मार्केट में जो है कि बीट करना, मतलब रिजल्ट को इतना कोई इजीली नहीं है। चलिए 300, फिर 1300, फिर उसके बाद देखिए 1500, फिर 1600, फिर 2000, फिर 2600। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कंसिस्टेंसी है। अभी तक जिन्होंने बाइंग नहीं किया, हम इतना ही कहना चाहते हैं, चाहे तो आप एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं इस प्राइस पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हर बार से ज़्यादा है। 8200, 8164, 8184, 230, 300, 64, 400। देखिए दोस्तों, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, चलिए इनके नेट प्रॉफिट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट में 16, 30, 74, 73, फिर 82, 113, फिर 222, फिर 249। इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए अगर जिनको भी थोड़ा सा स्टॉल में जो है कि स्टॉल में आपने निवेश किया है तो निवेशित रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने प्रिंस पाइप में पैसा नहीं लगाया है तो मेरे हिसाब से जो स्टॉल को बाइंग करने के चक्कर में पड़े हैं उनसे कहेंगे थोड़ा बहुत पैसा आप जो है कि डाइवर्सिफाइड करके प्रिंस पाइप में आप डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी के पास जो है 1000 करोड़ के ऊपर जो है कि रिजर्व है। 150 करोड़ का बोरिंग है, देखिए जो कि 150 क्या कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ का है, तो उसमें जो है कंपनी जो है कि 150-200 करोड़ इनका जो है कि डेट फ्री कंसीडर किए जाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को जो है कि कवर करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है दोस्तों, देखिए प्रमोटर ने अभी इस क्वार्टर में भी जो है कि माल को सेम ही रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, FIs यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग करते हुए नहीं, 1% के आसपास उन्होंने भी सेलिंग किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि DIs यहाँ पे 3 क्वार्टर से माल को एक्युमुलेट करते ही जा रहे हैं, ऐसा पब्लिक भी पीछे नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पब्लिक ने जो है कि अगली बार माल को सेल कर दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद इस बार जो है कि एक्युमुलेट कर रही है। मतलब देखिए पब्लिक ने क्या है कि प्रॉफिट बुक किया, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्या है कि वो बहुत सारे शेयर से जो है कि प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने किया, तो अच्छी बात है। चलिए हम चार्ट पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे कंपनी के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज के दिन भी इसमें कोई भी तेजी नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए ये भी क्या है कि निफ्टी 50 के साथ चलने वाला स्टॉक है। जैसे जैसे मार्केट अप में रहेगा, ग्रीन रहेगा, तो ये भी ग्रीन में रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल है। क्या है कि इसका मार्केट कैप ही ऐसा है मिड कैप टाइप का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 5 दिन में कंपनी ने अभी तक अपने को रिटर्न बना के नहीं दिया। उसके बाद क्या है कि तेजी मतलब होनी चाहिए थी दोस्तों, रिजल्ट भी इनके अच्छे थे, मार्केट ने भी अप्रिसिएट करना चाहिए था। आपको देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है कि तेजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं ना, आप कंसोलिडेट कर रहा है। एक दिन ऐसा इसमें तेजी आएगा कि आप जो है बाइंग कर नहीं पाएंगे और जो है पछताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1 महीने के चार्ट में 1 महीने में 5% जो है कि डाउन है। 6 महीने में दोस्तों देखिए, 6 महीने जो है 21 से 22% का डाउन है दोस्तों। अपने लिए जो है कि सुनहरा मौका है, आप चाहे तो एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। ये टिल डेट में देखिए 8 से 9%, एक साल में देख लेते हैं। देखिए एक साल में जो है कंपनी 13 से 14% के आसपास डाउन है। माफ़ करना, मैं इनके 5 साल में नहीं, 5 साल में एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम। देखिए जस्ट कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई है, आपसे बताना चाहते हैं इनको जो है कि 5 साल भी नहीं हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी ये 350-350% के आसपास रिटर्न बना के दे। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के जो है रिटर्न बन रहे थे, लेकिन वो सारे रिटर्न जो है कि गायब हो गए। ऐसे में उनको अभी करना क्या चाहिए, हम सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों,
जिनके पास हाई लेवल से पड़ा है और फंसे नहीं दोस्तों, इसको जो है कि होल्ड करके चल सकते हैं। जिनको ऑरिजिन करना है मेरे हिसाब से देखिए 600 पे तो आएगा नहीं, हाँ 620 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप चाहे तो ऑरिजिन कर सकते हैं। जिनको बाइंग भी करना है दोस्तों मेरे हिसाब से बाइंग भी आप 600 या तो करेंट प्राइस से आप चाहे तो बाइंग करना चालू कर दे और 600 के लेवल तक आप चाहे तो बाइंग करते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।